हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो? दिन पे दिन गर्मी बढ़ते ही जा रही है, गर्मी कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। नागपुर का टेम्परेचर भी 42 से 45, 46 डिग्री सेल्सियस तक चल रहा है। सच ही तो है, काफ़ी सारे पेड़ कटवाने से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है। हर साल कितने सारे पेड़ कटवाए जाते हैं, पशु पक्षियों को भी गर्मी का बहुत तकलीफ हो रही है। हमें तो इतनी गर्मी होती है, वो पशु पक्षियों को कितनी गर्मी होती है। देखिए अभी ये पेड़ है, शाम को पक्षियों का बहुत साउंड आता है, लेकिन गर्मी की वजह से कुछ भी पक्षी साउंड नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल शांत हो गए हैं। रास्ता भी पूरा क्लीन दिख रहा है, ना कोई व्हीकल्स का आवाज़ आ रहा है, ना कोई चहल पहल दिख रही है। नहीं तो 6 बजने के बाद चहल पहल शुरू हो जाती है, और रास्ते के गाड़ियों का भी काफ़ी सारा आवाज़ आ रहा है। अच्छा है, मुझे भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा है वीडियो बनाने के लिए। अब मैं छत पर आई हूँ, ये काला ड्रेस पहनी हूँ, इतनी गर्मी हो रही है, पूरा शरीर पसीना पसीना हो गया है। अभी अभी 1 घंटे पहले मैंने मनोज भाई का वीडियो पढ़ा है, वो दिल्ली गए हैं, दिल्ली का टेम्परेचर बता रहे करीब 53 डिग्री सेल्सियस के पास है। बाप रे, 53 डिग्री सेल्सियस, नागपुर में 44-43 चल रहा है तो भी इतनी गर्म, तो वहाँ के दिल्ली के लोगों का क्या हाल होता होगा? पक्षी भी बहुत तड़प रहे होंगे, पक्षियों को अगर पानी नहीं मिला तो पानी के लिए भी तड़पते होंगे, अनाज नहीं मिलता होगा तो अनाज के लिए भी उनको इधर उधर भटकना पड़ता होगा। दिल्ली में कुछ कुछ एरिया में बहुत कम पेड़ है, 7-8 घर दिखते हैं तो उसी में 1-2 पेड़ ही दिखते हैं, कोई कोई एरिया ऐसे ही है। हम सब ने ये संकल्प लेना चाहिए, हमारी इंडिया की पॉपुलेशन कम से कम 150 करोड़ के करीब गई है। अगर 50 लाख लोगों ने भी ये संकल्प लिया कि मैं हर साल एक पेड़ लगाऊँ, तो कम से कम 50 लाख पेड़ तैयार हो जाएंगे और हमारी धरती माँ हरी भरी हो जाएगी, और हमें गर्मी से ना सहन करना पड़ेगा। देखिए पक्षी भी अभी उड़ रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं, बाप रे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी पक्षी निकले हैं पानी की तलाश में और खाने की तलाश में निकले हैं। 2 दिन पहले ही मैंने ये गर्मियों के लिए पक्षियों को अपने छत के ऊपर पानी रखना चाहिए, खाने के लिए कुछ ज्वार, कुछ राइस के दाने, कुछ बाजरा, ऐसा वीडियो डाला है। आम की मैंने 5 आम के पेड़ भी लगवाए हैं, मेरी यही कोशिश रहेगी कम से कम 2 तो भी झाड़ जग जाए। मैंने हर गमले में, ऐसे गमले में 5 आम की गुठलियाँ लगाई है, और कोशिश तो यही रहेंगी कि 5 के 5 ही पेड़ तैयार हो जाए, एक नन्हे मुन्ने 5 पौधे तैयार हो जाए, और इसी पौधे से ऐसे विशाल का वृक्ष बन जाए ताकि आने जाने वाले लोगों को शीतल छाया प्रदान करे और किसी को गर्मी से तकलीफ ना हो, जानवर भी छाया में आराम से बैठ सके, पक्षी भी आराम से बैठ सके। अभी देखिए ये पेड़ है, लेकिन कोई पक्षियों की आवाज़ नहीं आ रही है, गर्मी की वजह से बिल्कुल चुपचाप हो रहे हैं। नहीं तो कम से कम ऐसे भी पाम के पेड़ लगा सकते हैं, पाम के पेड़ भी दिखने, पाम का पौधा भी दिखने में बहुत ही प्यारा लगता है। ऐसे 4-5 भी पौधे हमने अपने घर में लगाए तो भी थोड़ी शीतलता मिलेगी, पक्षियों भी वहाँ आकर बैठकर अपना अनाज या आराम से पानी पीकर अपनी प्यास बुझा सकेंगे और खुशी से आनंद से उड़ जाएंगे।
अभी कबूतर का आवाज आ रहा है। कुल्फी वाला भी आ गया है, कुल्फी वाले की घंटी बज गई है।